नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एनएनटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शनिवार को मुंबई में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार से मुलाकात कर खुद पर लग रहे धर्म परिवर्तन संबंध आरोपों पर सफाई दी। उनके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नजर आ रहे हालदार ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी पर यदि कोई जातिगत आधार पर आरोप लगाया तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग चुप नहीं बैठेगा। समीर वानखेड़े ने कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में खुद पर व अपने परिवार पर लग रहे धर्म परिवर्तन संबंधी आरोप को लेकर अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत भेजी थी। यह शिकायत मिलने के बाद आयोग ने राज्य सरकार से 10 दिन में जवाब देने को कहा है, लेकिन इसी बीच मुंबई पहुंचे आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने समीर वानखेड़े ने खुद उनके पास जाकर मुलाकात की और अपनी जाति से संबंधित सभी कागजात एवं प्रमाण पत्र उन्हें दिखाए। अरुण हालदार ने कही ये बात। इस मुलाकात के बाद स्वयं वानखेड़े तो मीडिया से बात करने से कतरा गए, लेकिन आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने उन्हें अपनी जाति से संबंधित जो कागजात दिखाए हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि वह अनुसूचित जाति के तहत आने वाले महार समाज से हैं। उनकी मां मुस्लिम थी जिनका देहांत हो चुका है। उनकी पहली शादी मुस्लिम से हुई थी, लेकिन उनका पंजीकरण स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ था जिसमें अंतर धार्मिक विवाह मान्य है। उनकी दूसरी पत्नी हिंदू है और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हिंदू ही रखा है। अरुण हालदार के अनुसार जाति प्रमाण पत्र पिता के रक्त संबंध से ही मिलता है, क्योंकि उनके पिता महार समाज से थे, इसीलिए समीर को भी अनुसूचित जाति का ही प्रमाण पत्र मिला है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनएमटी न्यूज। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।